नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं बेबनिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। बेतिया में नगर निकाय चुनाव के दूसरे फेज का रिजल्ट शुक्रवार को आ गया है। इसमें मेयर पद और एक वार्ड पार्षद पद का रिजल्ट काफी रोचक रहा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह बेतिया विधायक रेणु देवी की बहू सुरभि घई मेयर पद का चुनाव हार गयी। सुरभि घई रेणु देवी के भतीजे की पत्नी है। वही बेतिया से चनपटिया बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह की भाभी वार्ड नंबर 33 से पराजित हुई है। बेतिया में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। मेयर पद पर बेतिया नगर परिषद के निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने फिर से बाजी मारी है। वही गायत्री देवी ने डिप्टी मेयर की सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह की भाभी बीना सिंह को श्रतुल प्रिया ने 176 वोटों से हरा दिया। गरिमा देवी सिकारिया के साथ ही उनके पति रोहित सिकारिया ने भी जीत दर्ज की है। रोहित ने वार्ड नंबर 17 से वार्ड पार्षद पद पर जीत दर्ज की है। बेतिया नगर निगम के मेयर पद पर त्रिकोणीय मुकाबला था। यहां एक तरफा राजिया बेगम मैदान में थी तो वही दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित सुरभि घई चुनाव में खड़ी थी। दोनों के बीच निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने जीत हासिल की है। आपको बताते चले कि बेतिया नगर निगम में मेयर पद पर गरिमा देवी सिकारिया ने जीत की है। जीत का ऐलान होते ही उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। गरिमा देवी सिकारिया ने 63,258 मतों से विजयी हुई है। जी हाँ, 63,258 मतों से विजयी हुई हैं। उन्हें कुल 73,748 मत प्राप्त हुए। वहीं उनकी प्रतिद्वंदी रजिया बेगम को सिर्फ 10,490 वोट मिले। बेतिया से रिपोर्टर अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाया है या किसी भी समुदाय को आगे किया है तो जनता की ही जय। अगर जनता चाहे तो आप ये बोल रहे हैं कि कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, तो आप समझ सकते हैं कि माँ होती है वो जननी भी होती है, माँ ही दुर्गा का रूप ले सकती है, तो जनता ही जनार्दन है। जनता के लिए क्या संदेश होगा? जनता की, जनता की मैं सदैव अपना चाहूँ कि वो अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे, इसी तरह अपार प्रेम और श्रद्धा से मुझे आगे बढ़ाए और मुझे मार्गदर्शन दे। इस ऐतिहासिक जीत पे आप बेतिया वासियों को आप क्या संदेश दीजिएगा और कैसे उनको धन्यवाद दीजिएगा? मेरी पत्नी भारी बहुमत से जीती है चुनाव। यहाँ पर मुख्य पार्षद का मेयर, मैं सभी जनता को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे स्थानीय वासी गरिमा जी ने 2017 में वार्ड पार्षद बनकर आए और पार्षदों के वोट परिवार को हम लोग छोड़ नहीं सकते। परिवार हमारा बिल्कुल परिवार ध्यान दीजिएगा। हॉल नंबर 6 के जो लेबर है परिवार अविलंब हॉल में पहुंचने का कष्ट करें। सारी जनता सभी नगर निगम वासी जो ईवीएम उठाने वाले लेबर हैं, आप हॉल नंबर 6 में अविलंब आइए। मैं प्रतिनिधि बनकर जा रहा हूं, मुझे कार्य करने का पूरा अवसर दे, मुझे मौका मिले और गरिमा जी के साथ में कार्य करूँ अपने वार्ड में और साथ में ही निगम में जो वो कार्य करेंगे उसमें भी मैं सहयोग। अच्छा सर, आपने जीते मुझे वक्त में काफी दिन से आपने गरीबों का मदद यही मैसेज देंगे कि भाई जितना भी जो भी परिवार है अपना निगम में, जो भी जनता है हमारे बिहार प्रदेश में, तो सब हमारे भाई बहन जैसे हम लोग हमेशा लगे रहेंगे। गरिमा जी का कहना है कि जीवन पर्यंत जब तक है हमारे, तो हमारे जीवन पर्यंत चलेगा। इसमें कोई ये चुनावी वादा नहीं है, कोई ये चुनाव के लिए नहीं था। जिस समय गंगा जी में लाशें दिख रही थी उस समय गरिमा जी बैठ कर खाना बनाकर खिलाती थी। एक एक डेढ़ हज़ार लोग खाते थे, सारे रिक्शे वाले ठेले वाले जिनके पास खाने का कोई आशीर्वाद नहीं था वो वहाँ पर आकर खाते थे। आज वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आज इनका बहुत बड़ा दुर्घटना हुई थी गरिमा जी की और मेरी भी, उसी उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हम लोग बच गए। वो सारे लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, हर मंदिर मस्जिद में जाके उन्होंने हमारे लिए पूजा पाठ किया और हम लोग उसमें से निकले, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर को जवाब दे दिया जाने लगे यहाँ के किसी भी प्रकार से देवी माता के और सभी के आशीर्वाद से हम लोग बच गए। इसीलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जनता हमारे लिए भगवान है, उसने हमें इतना बड़ा जगह दिया है। कभी भी मैं आपको ये वादा करता हूँ गरिमा जी की तरफ से भी कि हम लोग उनके खड़े उतरेंगे, कभी भी ऐसा उनको दिन नहीं दिखाएंगे जिसमें उनको लगे कि कभी हम लोग को कोई गलती हुई है या हम लोगों को जिस उम्मीदों पे उन्होंने डाला था उससे हम कहीं भी पिछले, हमेशा जनता की सेवा करेंगे हम दोनों पति पत्नी का ये। धन्यवाद।